Inside Gear. वेलकम बैक टू इनसाइड गियर। मैं हूं निशित और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जहां हम रिव्यू करने पहुंचे हैं रॉयल एनफील्ड की नई बाइक का। तो जिस बाइक पर मैं अभी बैठा हूं फिलहाल, ये वो बाइक नहीं है। आज की जो बाइक है वो है हिमालयन 2021, जो कि है बहुत ही ज़्यादा दमदार। तो अगले कुछ मिनट्स बात करेंगे हिमालयन 2021 के बारे में, जिसको आरी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। जानेंगे कितनी नई है आरी की 2021 हिमालयन, कितनी टूरिंग है और क्या क्या एलिमेंट्स और फीचर यहाँ पे आपको बाइक में मिलने वाले हैं। तो आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखिए, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं 2021 हिमालयन के सामने, और बाइक के ओवरऑल लुक्स की बात करें तो बाइक के लुक्स जो हैं एकदम दमदार लग रहे हैं। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक विंडस्क्रीन मिलेगी, ये टिंटेड है, पहले ये ट्रांसपेरेंट थी। यहां पे आपको सामने आरी की बैजिंग मिल जाएगी, और ये जो टिंटेड स्क्रीन है ये एडजस्टेबल है, आप इसको हाइट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी बढ़ाई गई है, क्योंकि जो लास्ट वाली विंडस्क्रीन थी वो विंड ब्लास्ट इतनी कारगर नहीं थी, लेकिन जो ये वाली स्क्रीन लगाई गई है कंपनी ने वो ये बता रही है जो विंड ब्लास्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ में अगर लाइट की बात करूँ तो 7 इंचज़ का यहाँ पे राउंड आपको हेडलैम्प मिलने वाला है। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प नहीं दिए कंपनी ने, हैलोजन बल्ब ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का आउटलाइन जो है लाइट के बाहर वो ट्रीट करने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बाइक के जो लुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। उसके साथ साथ मैं बात करूँ यहाँ पे अगर नीचे आऊँ तो जो यहाँ पे इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक फोक के साथ 41 mm के साथ दिया गया है। साथ ही साथ टायर की अगर बात करें तो यहाँ पे 90 सेक्शन का 21 इंच का सीएट का टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पुरानी आरी में भी सीएट का ही टायर था, और यहाँ पे मल्टी स्पोक्स व्हील आपको देखने को मिल जाएंगे। अलॉय व्हील यहाँ पे नहीं लगाया गया है, क्योंकि जितनी भी टूरिंग बाइक है हिमालयन है उसमें भी पहले भी स्पोक्स व्हील थे, और यहाँ भी आपको स्पोक्स व्हील देखने को मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर एक यहाँ पे लगाया गया है। फ्रंट डिस्क की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फ्रंट डिस्क जो डिस्क ब्रेक है इसका जो 320 mm का है। साथ ही साथ ये बाइक में ड्यूल चैनल ABS इंस्टॉल किया गया है, ड्यूल चैनल ABS इसमें लगाया गया है, और वो भी स्विचेबल है। तो आप अपनी ड्यूल चैनल ABS जो लगाया गया है वो यहाँ पे स्विचेबल है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको स्विच कर सकते हैं। ये नया फीचर जो है हिमालयन 2021 में इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ बात कर लें अगर यहाँ पे इंडिकेटर्स की, तो अपने बल्ब इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हज़ार्ड लैंप का भी ऑप्शन यहाँ पे हिमालयन 2021 में दिया गया है। अब चलिए चलते हैं बाइक के साइड लुक के बारे में आपको बता दें। कलर की बात करें तो ये बाइक सिल्वर कलर में भी आपको दिखेगी, और बाइक का जो टैंक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आपको एक कुछ शेप दिखने को मिलेगी, तो आपकी जो थाइज़ हैं यहाँ पर अंदर की तरफ चली जाएंगी, और जो विंड ब्लास्ट है वो भी यहाँ से कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप एक कंफर्ट राइड का भी मज़ा ले सकेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पे अगर इसके रॉयल एनफील्ड हिमालयन 2021 के इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल स्लेंडर 4-स्ट्रोक SOHC एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 411 cc का इंजन जो है हिमालयन में लगाया गया है। मैक्सिमम पावर जो है इस इंजन की वो 24.3 BHP का है, जो आपको 6500 RPM पे जाके मिल जाएगी। साथ ही साथ टॉर्क की बात करें तो 32 Nm का टॉर्क यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4000 से 5000 RPM पर। इस इंजन की बात करें तो इसमें कुछ भी ट्यून नहीं किया गया है, बिल्कुल भी रिफाइन नहीं किया गया है। सेम इंजन जो 2020 हिमालयन का था वही यहाँ पे आपको दिया गया है, वही इंस्टॉल किया गया है। नीचे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेटल की शील्ड लगाई गई है, जो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो आपके इंजन को कोई नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने एक शीट लगा के दी है। साथ ही साथ बात कर लें अगर इनके गियर्स की, तो यहाँ पे आपको 5-स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। 6-स्पीड हो सकता था, लेकिन कंपनी ने क्यों 5-स्पीड दिया है वो भी पता नहीं है। स्मूथनेस के हिसाब से बात करें तो 6-स्पीड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, 5-स्पीड ट्रांसमिशन हिमालयन में दिया गया है।
आगे की तरफ चले तो यहाँ पे आपको हिमालयन का बैच देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस सेक्शन में। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस कलर की बाइक के ग्राफिक्स हैं उसी कलर की यहाँ पे सीट यहाँ पे आपको हिमालयन में देखने को मिल जाएंगी। ये चेसिस जो आप बाइक की देख रहे हैं सारी, वो हाफ डुप्लेक्स स्प्लिट ट्रेडल फ्रेम की बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जाती है कि ये चेसिस जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये चेसिस इसमें लगाई गई है। साथ ही साथ बात करें बाइक के पीछे के लुक्स की, तो बाइक के पीछे की लुक की अगर बात करें तो पीछे यहाँ पे आपको नीचे LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक यहाँ पे बल्ब आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका रीडिंग लैंप तो नहीं कह सकते इसको, नंबर प्लेट के लिए है। साथ ही साथ ये जो ग्रिल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेटल की। और यहाँ पे आपको बता दें कि मैक्स लोड जो है इस प्लेट की अगर बात करें तो ऊपर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि मैक्स लोड 7 kg, तो 7 kg तक आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं। उसके बाद आप सामान रख के टूरिंग कीजिए, जाइए घूमिए पहाड़ों में। ये बाइक बहुत ही ज़्यादा दमदार है पहले की तरह हिमालयन। और साथ ही साथ यहाँ पे अब एक फ्लैट बॉटम साइलेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सेम साइलेंसर जो 2020 वाले मॉडल में था वो यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर की यहाँ पे स्ट्रिप लगाई गई है। साथ ही साथ पीछे के टायर की अगर मैं बात करूँ तो पीछे का टायर यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, 120/90 सेगमेंट का 17 इंच का स्पोक्स व्हील यहाँ पे लगाया गया है। पीछे के डिस्क ब्रेक की अगर बात करें तो 240 mm के डिस्क ब्रेक यहाँ पे लगाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कैटेलिक कन्वर्टर आप देख रहे हैं, जो डमरू वाली पोजीशन में आप देख रहे हैं, मिटियोर में आपको थोड़ा सा मोटा था, माफ़ कीजिएगा, 1200 की जो पुरानी बाइक्स हैं उसमें काफ़ी मोटा था, लेकिन ये जो कैटेलिक कन्वर्टर है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बेसिकली वर्क ये होता है, इंजन में से जितनी हार्म गैसेज जो अपने पॉल्यूशन को नुकसान पहुँचाती हैं उनको ये प्योरीफाई करने का काम जो है करता है। साथ ही साथ बाइक की ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर बात करें तो टूरिंग बाइक के हिसाब से इसका ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ही अच्छा है, 220 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जो राइवल्स बाइक हैं KTM की 390 एडवेंचर, उसमें भी इतना ही ग्राउंड क्लीयरेंस कंपनी ने दिया है। तो बाइक का जो ओवरऑल लुक है वो एकदम खतरनाक है, बढ़िया है, शानदार लग रही है। हिमालयन 2021 भी पहले की तरह ही, इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और इसका आपको एग्जॉस्ट सुनाते हैं, इसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है। तो बाइक का एग्जॉस्ट आपको सुनाते हैं, एग्जॉस्ट एंजॉय कीजिए इसका। ये आपने मीटर खोला और ये आपके यहाँ पे तो बाइक का साउंड जो है वो भी हिमालयन 2021 का एग्जॉस्ट बहुत ही बढ़िया है, एकदम बढ़िया लग रहा है साउंड भी। आप चेंज मत कराइए इसको, बहुत ही अच्छा बेस वाला साउंड जो है वो ये हिमालयन 2021 दे रही है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑफ़ करके और एक बार आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ये आपका मीटर ऑन हो गया, तो आपको जो अलग दिखेगा यहाँ पे पुरानी हिमालयन से, वो यहाँ पे ये जो ट्रिपर है वो आपको नेविगेट करने वाला जो ट्रिपर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आरी ने इसको मिटियोर में लॉन्च किया था, साथ ही साथ हिमालयन 2021 में भी इसको लगाया गया है। आप इसको जो ऐप है आरी की उसके साथ कनेक्ट करके प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को ये वहाँ पे दिखा रहा है, तो ये आप जब भी टूरिंग करेंगे कहीं तो आपको डायरेक्शन ये दिखाता रहेगा। साथ ही साथ ABS का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा सही है इसका। ये ओडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर है, आपको यहाँ पे KMPH के साथ MPH की यहाँ पे आपको रीडिंग भी दिख रही होंगी। और यहाँ पे जो RPM मीटर है वो भी अच्छा लगाया गया। मीटर की अगर बात करूँ तो मीटर भी बहुत ही ज़्यादा दमदार है, शानदार है, अच्छा लग रहा है ये मीटर भी नई आरी 2021 में। फ्यूल टैंक की अगर बात कर लें तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो 2021 हिमालयन में इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है एक टूरिंग बाइक में। 15 लीटर का टैंक एक अच्छा ऑप्शन दिया है हिमालयन 2021 में भी। तो हमारे साथ है पटपड़गंज आरी के वाले जो जी, तो हाय बाइक के अगर प्राइस की बात करें उसका बाइक का प्राइस कितना है? दिल्ली का ही देखा है, लगभग ऑनरोड प्राइस 2,40,000 का दिल्ली का प्राइस। और इस बाइक पे वेटिंग कितने के लिए हम देखते हैं? आरी में हमेशा वेटिंग पे रहती है बाइक की, इसमें कितनी वेटिंग है? कंपनी ने रिसेंटली पटपड़गंज ये लॉन्च कराया, तो इसमें वेटिंग है 3 से 4 महीने की मैक्सिमम वेटिंग है। जैसे भी बाइक अवेलेबल हो जाती है वैसे कस्टमर को मिलती है। तो आपको अगर ये हमारी 2021 देखनी है तो आप इसको अगर आप बुक आज बुक कराएंगे तो आपको ये 3 महीने बाद जाके डिलीवर मिलेगी। तो क्या ये महंगी है पुराने वाले मॉडल से? हाँ बिल्कुल महंगी है, क्योंकि अपडेट करा हुआ है, कंप्लीट नेविगेशन दिया हुआ है और काफ़ी चेंजेस है, सीट के चेंजेस है, ये भी चेंजेस किया है, तो इसके बाद ये आपका ग्रेस की चेंजेस की हुई है। कितनी महंगी है?
ये लगभग 2-10 हज़ार रुपये महंगी होगी। 10,000 रुपये महंगी है रॉयल एनफील्ड हिमालयन वाले वाले मॉडल है, ये वाला मॉडल। ये वीडियो, ये बाइक आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें इनसाइड गियर को। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इनसाइड गियर।